Hello students, I am Reema Shah from SSLLC Career Services Private Limited. Today I am going to share one new story. आपको शेल्फ या कबर्ड में एक लिमिटेड बुक्स रखनी है तो क्या आप रख पाओगे? हाँ, हम रख पाएंगे, बट वो जरूरत से ज्यादा बुक्स होगी और वही कबर्ड में हमें रखनी है तो क्या होगा? वो मिक्स हो जाएगी, वो मर्ज हो जाएगी, अदरवाइज वो गिर जाएगी। तो यहाँ पे आज हम टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, एक्सेसिव ऑफ नॉलेज, जरूरत से ज्यादा ज्ञान। आजकल सबको नॉलेज है सभी के बारे में, कोई भी टॉपिक पे बात करवा लो सबको सब कुछ पता है, पर क्या ये जरूरी है? हमें लगता है नहीं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हो तो आपको जिस दिशा में आपका फोकस है उस पर आप फोकस नहीं कर पाते, इसके लिए आपको वो क्वालिटी या आउटपुट वो फील्ड में नहीं आ पाता। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे आप इंजीनियर हो कोई फील्ड के और आपने उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड का वो नॉलेज लिया तो वो ठीक है, पर आपने कंप्यूटर का भी ले लिया, मैं बैंक के एग्जाम की तैयारी भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है? जो वो एक्सेसिव ऑफ नॉलेज आपके आउटपुट्स को कम कर देता है। वैसे ही आजकल लड़कियों को भी सभी नॉलेज हो गया है सभी फील्ड के बारे में, तो उनको क्या होता है, एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है। ज्यादा नॉलेज की वजह से लोगों में अहंकार, ईगो आ जाता है कि मुझे सब कुछ पता है, तो इसलिए ये जो ईगो आता है वहां से फिर एडजस्टमेंट इश्यूज शुरू हो जाते हैं कि मैं उसकी बात क्यों सुनूं, मैं हमारी बात वो क्यों सुने, लाइक दैट ऐसे क्लेशेस आ जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं। तो इस वजह से आजकल एडजस्टमेंट इश्यूज बढ़ रहे हैं, एडजस्टमेंट की वजह से वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, तो अकेले रहने से स्ट्रेस बढ़ रहा है क्योंकि एडजस्टमेंट कोई एक दूसरे के साथ कर नहीं रहा है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल हो चाहे घर हो, तो एडजस्टमेंट इश्यू की वजह से, अकेले रहने की वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी परिस्थितियाँ शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक अगेन एक स्टोरी बताऊंगी कि चार ब्राह्मण थे, उनके पास नॉलेज था, उन्होंने अपनी नॉलेज में निपुणता हासिल कर दी थी, अब उनका वक्त था उनको कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करना था कि जहाँ से वो कुछ अचीव कर पाए, अपना नाम कमा पाए। तो वो जंगल में गए, जंगल में उनको वो एक हड्डियाँ पड़ी हुई मिली, तो पहले बंदे ने बोला, यार मैंने तो इसमें मास्टरी की है तो मैं उसको जोड़ देता हूँ। तो जो पहला ब्राह्मण था उसने वो हड्डियाँ जोड़ने का काम किया। दूसरा बंदा कह रहा है, यार मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो उसमें नर्व्स बाउस वगैरह सेट कर देता हूँ। उसने वो सेट कर दिया, हड्डियाँ बढ़िया सेट कर दी स्टिच करके। तीसरा बंदा कह रहा है, मैं इसमें खून बून डाल सकता हूँ। तीसरे बंदे ने अंदर खून डाल दिया। अब कौन सा बचा? चौथा, जो बिना पढ़े लिखे आया था। तो वो कह रहा है, यार खड़े रहो। तीसरा बंदा कह रहा था, खड़े रहो, कुछ भी आगे करने से पहले यहाँ पे आप अपनी मास्टरी जो बताने जा रहे हो ना, तो ये बंदा जीवित हो जाएगा, आपको पता भी है क्या है? तो कह रहे, नहीं कोई बात नहीं, आप जीवित करके देखो, बाद में पता चल जाएगा। ऐसे करके चौथे बंदे ने बोला, मैं तो जा रहा हूँ, आपको जो करना है करो। फिर तीसरे बंदे कह रहे, अरे यार हम ये तो हमसे जेलेस हो रहा था, हमें तो करना ही है। तो तीसरे बंदे ने फिर अपने मंत्र मंत्र फूके, वो कह रहा था कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है। उसने अपने मंत्र फूके और अपने ब्राह्मण की दिशा के इम्प्लीमेंट करने का सोच ही लिया था। तो वो जो ब्राह्मण की शिक्षा खत्म हुई तब वो खड़ा हो गया, वो जीता जागता शेर बन गया
तीनों को खा गया। यहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ज्ञान है, पर हमें इसका इस्तेमाल कहाँ और कितना करना है और कब करना है। क्योंकि हमने ज्ञान तो ले लिया, पर हमें ये नहीं पता कि हमें इस्तेमाल कितना और कहाँ करना है। ऐसे ही ना हो कि ज्यादा नॉलेज हमें ही परेशान करे, क्योंकि ज्यादा नॉलेज की वजह से हमारा माइंड शांत नहीं रह पाता। माइंड में हर एक चीजों के लिए रिसर्च आ जाता है। हम कुछ भी लेने जाते हैं, चलो हम देख लेते हैं। इवन हम बीमार हुआ, कोई मेडिसिन भी दे दी डॉक्टर ने, तो हम रिसर्च करके पहले गूगल पे सब कुछ देख लेते हैं, यार ये मेडिसिन किसके लिए है। तो हम वो मेडिसिन से जितना प्रॉब्लम में क्रिएट होते हैं, उससे ज़्यादा उसकी सोच पे कि यार उसने दवाई क्यों दी होगी, कितने एमजी की है, इससे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, इसकी वजह से हमें स्ट्रेस आ जाता है। कई बार गूगल भी सब कुछ सही नहीं बताता। तो यहाँ पे है कि हमें हमारे माइंड को शांत रखना भी इतना ही जरूरी है, क्योंकि हम जब सिस्टम को बंद करते हैं तो बहुत जल्दी चार्ज होता है। वैसे ही हमारे माइंड को हम जीरो माइंड करेंगे तो हम बहुत जल्दी चार्ज हो जाएंगे और ज़्यादा एनर्जेटिकल फील करेंगे और हमारी फील्ड में हम पारंगत हो पाएंगे और एडजस्टमेंट अच्छा रहेगा। ज़्यादा नॉलेज कई बार ज़्यादा परेशान करता है। एक्सेसिव नॉलेज एक्सेसिव कॉफी कप में भी होती है, तो वो छलक के बाहर ही आ जाती है। यहाँ पे हमारा जो थीम है उसका सार ये है कि हमें नॉलेज दे लेना है, सही दिशा में लेना है, हमें इम्प्लीमेंटेशन सही जगह पे करना है, उसको रिवाइज करना है, रिटेन करना है, मेंटेन करना है, और वो हमें सही वक्त पे इस्तेमाल करना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ गुड लक। थैंक यू।